एवरीबॉडी प्लीज गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड। आप लगाएंगे सोसाइटी के और जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीन आ रही हैं, तो होप कि हम सब जो है वो इस तरह टेंडेंसी की तरफ आए, तो हम अपने आप को भी सेफ करें और अपने मुल्क को भी, अपने माशरे को भी, इकॉनमी को। थैंक यू सो मच। और इसके साथ ही हम सेशन कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर शेरशाह सरिया, डॉक्टर रुबीना सोलो, जनाब कासिम सोलो साहब, डॉक्टर हारून अहमद साहब, डॉक्टर हजूरा शेख साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा सेशन बहुत सारी बातें हैं और आई एम सॉरी कोई क्वेश्चन नहीं ले सकते, मुझे बार बार पर्ची आ रही है, हमारा टाइम अप हो गया। तो अच्छा, अगर कोई क्वेश्चन है तो क्विकली कर लें प्लीज। Hospital, because in public health there are three things: clean water, nutrition and hygiene. You implement Pakistan ke aadhe doctor lehari mein rehna shuru kar denge. Main America mein raha hu kyunki ye sab kamate diarrhea aur typhoid aur dengue se, aur ye haath na dhone se, mask na pehenne se. Jaise doctor Sher Shah baatein kar rahe the, unse zara poochiye ki kis hospital mein safai hoti hai. Acha, aur koi question hai kisi ka? Jaldi se. Ji ji. Quickly, because time is up. Unmarried women के लिए abortions के बारे में अगर आप कुछ बता सकें कि you know how they can seek non-judgmental gynecologists for abortions and what how much power does a unmarried woman have to seek abortion as a okay someone और भी कोई सवाल है तो बता दें quickly, एक साथ जवाब दे देते हैं जी। मेरा एक सवाल है इसका chemo के बारे से, डॉक्टर रफीना से बोलो से कि ये जो chemo है इसका जो मतलब लोग लगवाते हैं या कि मेरे साथ जैसे बच्चा है बहुत खौफ होता है, तो कीमो के बारे से पूछते हैं कितनी देर स्टार्ट करना चाहिए, इसका क्या प्रोसेस है? ओके ऑलराइट, आप सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर टेकिंग। ओके क्विकली प्लीज। मेरा क्वेश्चन सर सुमरो साहब से है। सर सुमरो साहब डिस्ट्रिक्ट हरपालकर का एक बड़ा नुमाइंदा है, मशहूर नुमाइंदा है। मैं भी थरपारकर से लोन रखता हूँ, मैं एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। तो सर एक मैटर पे बात करे, डिस्कस कर रहे थे वाटर के जो लगाए, जो आरओ प्लांट लगाए। आरओ प्लांट एक मशीन के लिए, वहां पे जो सोलर सिस्टम पे चलते मशीन के लिए आपको पता है किसी भी वक्त बंद हो सकती है। थरपारकर जो थरपारकर का मेन इशू है वो पानी है, सही है। और पाकिस्तान के आइन में, कॉन्स्टिट्यूशन में हर शहरी को इक्वल राइट दिया जाएगा, क्या पाकिस्तान जो सिंध पूरा सिंध प्रोविंस, मेरा जो क्वेश्चन ये सिंध प्रोविंस जो इंडस रिवर का पानी पी रहा है, क्या हमारा राइट नहीं है? क्या हम उस रिवर का पानी नहीं पी सकते है? मशीन के लिए अर्जेंट में अगर खुदा ने कहा तो कोई ऐसा वाक्य हो जाए, आग पड़े किसी गाँव में, वहां पे उस गाँव का आरओ प्लांट भी काम नहीं कर रहा हो, तो अर्जेंट हम कैसे वहां उसको प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं? और क्वेश्चन नंबर सेकंड है। All right, thank you so much. So, who wanna answer this question? जी आप हर का आप जवाब दे दें। Thank you. बड़ा important question है और ये मेरे दिल की आवाज है और इस पे जो मैं तो इस पे आप अगर आप इस पे further detail में अलग से कोई program रखना चाहें तो it will be honor for me to represent Thapalkar और उस पे water policy के ऊपर मैं आपसे एक घंटे debate कर सकता हूँ कि उस पे हमने क्या किया और क्या करना चाहिए और किस तरह से होना चाहिए। मैंने ये काम पर्सनली 2003 में शुरू किया वाई वॉज वर्किंग विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। हमने उसमें मैंने पूरे थर की वाटर पॉलिसी बनाई थी और उसमें क्या होना चाहिए था, और मेरी पॉलिसी में आरओ प्लांट्स नहीं थे। इट वॉज इंटेंड बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने इंटेंड किया, उनकी इंटेंट अच्छी थी कि चलो पानी के मसले को किसी न किसी हल होना चाहिए। लेकिन मेरी सजेशन ये था कि रिवर इंडस का जितना पानी है उसको हम दो तीन पॉइंट्स हैं जहाँ पर स्टोर करें और फिर उनको वाटर सप्लाई नेटवर्क के थ्रू हर गांव में पहुंचाएं। और अल्लाह का शुक्र ये है कि 2004 से लेकर अब तक
वी आर ऑलमोस्ट 1.6 मिलियन पॉपुलेशन थरपारकर की है, उसमें वाटर सप्लाई नेटवर्क ऑलमोस्ट 850,000 लोगों को वाटर सप्लाई नेटवर्क के थ्रू रोजाना पानी मिलता है। लेकिन अभी ये सफर बहुत लंबा है और उसके लिए जो है वो हमें रिसोर्सेज बहुत ज्यादा चाहिए, और जाहिर है जब तक सरकार के पास वहां पर आबादी बहुत स्केटर्ड है, छोटे छोटे गांव हर एक टीले पे बने हुए हैं, तो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर गवर्नमेंट टू प्रोवाइड वाटर सप्लाई नेटवर्क टू एवरी अदर टाउन। बट वी हैव सर्टेन, यू नो, वी हैव मेड अ पॉलिसी दैट एवरी हाउस होल्ड, एवरी विलेज इज है, देयर आर नंबर 25-30 हाउस होल्ड्स जहाँ पर है, तो उनको हमने वाटर सप्लाई नेटवर्क में शामिल किया है। बट ये सफर बहुत कठिन है, बहुत लंबा है। यस, आई एग्री विद दिस जेंटलमैन कि वो आर ओ प्लांट्स बड़ी हद तक जो है, जी मैं वो जो है ना, आप ओवर द कप ऑफ टी कर लेंगे, आप क्विकली मुझे बता दें रेडिएशन वाला और अनवांटेड प्रेगनेंसी। आई थिंक जो आप पूछ रहे थे कि कैंसर का इलाज के लिए कीमोथेरेपी, किसी भी कैंसर का इलाज सिर्फ एक तरीके से नहीं करते, मोस्ट ऑफ द कैंसर उनको सर्जरी चाहिए, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, टैबलेट्स जो भी चाहिए। यस, कैंसर कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स होते हैं, लेकिन आजकल बहुत दवाएं आ गई हैं कि इन साइड इफेक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी कि कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जिंदगी मौत का फैसला करते हैं। तो जो भी ट्रीटमेंट आपको प्रिस्क्राइब की जाती है उसके साइड इफेक्ट्स कम करने के लिए दवाएं दी जाएंगी, लेकिन उसको फॉलो करना चाहिए। ओके, सो डॉक्टर वज़ीर, यू वांट टू टेक दैट क्वेश्चन? अनवांटेड प्रेगनेंसी, अनमैरिड में हो या मैरिड में, दोनों जो है हमारे पाकिस्तान में जो है उन पर कैम है इस्लामिक कंट्री के हिसाब से कि उनको टर्मिनेट करना, तो उसके लिए मेरी गुजारिश है, तो हम लोग सिर्फ एंड जो है टर्मिनेशन पर क्यों जा रहे हैं, पहले ही हम अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को और अपने